This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक आतंकी को मार गिरा है। नीति आयोग की बैठक का आज बहिष्कार करने पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट उन राज्यों और लोगों के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई की तरह लगता है जिन्होंने बीजेपी का बहिष्कार किया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत ढह गई है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आधिकारिक तौर पर अमेरिकी चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वे मुंबई के वर्सोवा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। हालांकि 2 दिनों की भारी बारिश के बाद शुक्रवार को मुंबई में बारिश नहीं हुई। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने दावा किया है कि वो चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। विवादों में आई आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि हत्या के प्रयास का आरोप मनोरमा खेड़कर पर है, दिलीप खेड़कर पर नहीं। मनोज जरांगी पाटिल ने कहा कि हम 14 अगस्त से 20 अगस्त तक हर महाराष्ट्र के हर विधानसभा क्षेत्र से मराठा समुदाय की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाएंगे। गुरुवार को बारिश ने दिल्ली एनसीआर को जमकर भिगोया। शुक्रवार की सुबह भी यही स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 47 डिग्री बना रहेगा। 23 साल पहले गीता नामक की लड़की गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी। साल 2015 में वो वापस लौटी। मुखबतिर गीता ने इस साल 8वीं कक्षा की परीक्षा दी और ये परीक्षा उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली है। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज से टीम इंडिया के नए दौर की शुरुआत होगी। हेड कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल इसी सीरीज से शुरू होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी काफी ऐतिहासिक रही। पहली बार इन खेलों की ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम के बाहर रखी गई, जिसमें 206 देशों के 6500 से ज्यादा एथलीट्स ने 94 बोर्ड पर सवार होकर परेड की है। पेरिस ओलंपिक में आज शूटिंग की टीम मिक्स टीम मेडल राउंड में हिस्सा लेने वाली है। इस दौरान भारत अपने पहले मेडल के लिए दावेदारी पेश करेगा। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने गौतम गंभीर को खास मैसेज दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमके ने 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित घर में हुए हाउस फायरिंग के केस में नया अपडेट आया है। इस केस में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी सिनेमाघरों में अपने रिलीज के 30 दिन पूरे कर चुकी है और फिल्म में अभी भी जान नजर आ रही है और भारत की जनता इसे पसंद करी है। विक्की कौशल की बैड न्यूज की कमाई की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। हालांकि फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।